पास माल देना। रुक, अबे रुक। यहाँ जो आवाज सुनाई दी थी वो किसकी थी? वो विंडमिल का खंभा टूट गया, उसकी वजह से एक आदमी को चोट आई है, उसे इस रास्ते से ले गए। अच्छा। लेकिन उस चोट लगे हुए आदमी को हॉस्पिटल में किसी ने भर्ती नहीं किया। उस आदमी को ले जाने वालों में से किसी की कोई खबर नहीं मिली। इसका मतलब वो जो भी है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये काम कोई जानबूझकर कर रहा है। अब अगर तुम्हारा बेटा निर्दोष है तो उसे बचाना हम दोनों का फर्ज बनता है। वो बात ऐसी है। आपके ऊपर खंभा गिरने का कारण कौन है पता है? कौन है? हाँ, ये देखिए, देखो कौन है। देखा आपने, दोनों भाग गए भाई। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो, जाओ। अरे सब निकम्मे हैं। भाग ले, भाग ले, तू आ जाएगा फिर पीछे ना। चलो जल्दी चलो, क्या कर रहे हो? चलो जल्दी गाड़ी में, चलो जल्दी गाड़ी चलो। कौन है? उस रात को ये मुझसे बचकर भाग गया। चले क्या? हाँ चलिए। तू मेरी चौखट पे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, एक बार इज्जत गई तो गई। जो तुझे बात करनी है ऑफिस में आके करना, कल जा, भाग जा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है सर। मेरी मदद करते करते आप खुद प्रॉब्लम में फंस गए। आपकी बहुत बदनामी भी हुई। इन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप और रोज मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। बुरा वक्त था इसलिए ये सब हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम
सब ने मिलकर उसे अकेला कर दिया। अब खुश हो ना? May I come in, sir? Yes, come in. Okay, okay. Sure. Why not? मैं मैनेज कर लूंगा। मैं बाद में कॉल करता हूँ। Okay, bye. Thank you. Hi, Joe. How are you? I'm fine. मुझे अचानक से देखकर तुम्हें शॉक लगा होगा ना? आपके बारे में सब कुछ इसने मुझे बता दिया है। तुम दोनों के बीच हुआ हुआ एग्रीमेंट भी इसने बता दिया है। मैंने इसे नहीं बताया कि मैं आपको पहले जानता था। मैं इसे सस्पेंस रखना चाहता था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ना, उसमें केसीडी के चेयरमैन की बेटी और ये दोनों मेरे जूनियर थे। नहीं, मुझे याद नहीं है सर। कॉलेज में तो तुम हीरो से कम थे क्या? मुझे वो दिन अच्छे से याद है। साउथ का कोई बड़ा स्टार आ गया। सर, वो तो मैंने जवानी के जोश में किया था। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। बताओ आपका क्या प्रोजेक्ट है, उसका आइडिया बताइए। अरे बैठिए ना। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बैठिए ना। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे अगर आप देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। ओह नाइस, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। थैंक यू सर। दैट्स राइट, दो बार जो प्रोजेक्ट रुक चुका है उस पर अब क्या डिस्कशंस करने। बेकार में ही। अब मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय, मैं बाद में करती हूँ। हाँ। सब रेडी है क्या? तो आप लोग रेडी है? जो तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे जो, अब क्या हुआ? पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। अगर इतनी टेंशन लोगे तो लाइफ में कामयाब कैसे होगी? जस्ट डू इट यार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सॉरी, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या आप सभी कुछ देर के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं प्लीज? यस प्लीज। आई टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स। आजकल एक मिनट के लिए भी हम अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते। हमारी आदत सी हो गई है ना? मुझे जिस चीज की जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यही मेरी कोशिश थी। अगर मैं इसमें जीत जाता हूँ तो इसका फायदा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हम सभी को होगा। थैंक यू। ग्रेट।